नमस्कार हेमंत, कुछ और बताना चाहेंगा। बहुत ही गहरी और इम्पोर्टेंट बात, आप कृपया करके गौर से सुने और गौर से समझे। ये बात हल्की नहीं है, ये बात राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र में आतंक का नंगा ना खेला जाए, इसके लिए बोली जा रही है। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले अग्निवीर के लिए, अग्निपथ के लिए, सेना में भर्ती करने के लिए ये रखा था कि 4 साल जो है, जो 20 साल का है वो 24 साल तक सेना में रह सकता है, 4 साल की जो सेना में भर्ती रखी गई और बाकी को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, उस तरह की बातें उठ रही थी। तो इसी बीच में ऐसा हुआ कि भारत में काफ़ी विरोध हुआ, कई जगह आगजनी हुई, ट्रेन जलाई गई, कई तरह की बातें उठी गई। उसी बीच में PFI ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक तंत्र खेला है और AIMI ने भी जो है राजनीतिक तंत्र खेला है और वो जो है भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। देखिए, मुस्लिम समुदाय ने फतवा जाहिर कर दिया है कि आप अग्निपथ में, जो मुस्लिम समुदाय भारी मात्रा में अग्निपथ में सेना में भर्ती हो ताकि वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले और 4 साल बाद जब रिटायरमेंट हो जाए तो वो ट्रेनिंग से जब रिटायरमेंट हो जाएंगे या उसको निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद वो PFI ज्वाइन कर लेंगे। और PFI तो आपको पता है कि एक आतंकवादी संगठन है, इसको जो बाहर से फंडिंग आती है, विदेश से फंडिंग आती है, किस तरीके से भारत में आतंक का नंगा खेल खेला जाए इसके लिए वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके तार जो है आतंकवाद IS से और ISI से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान तालिबानियों से जुड़े हुए हैं, ये बातें सबको पता है। तो जब ये लोग यहाँ पर 4 साल ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेंड होकर फ्री में ट्रेंड हो जाएंगे और इनको 10 लाख रुपया भी मिल जाएगा मुस्लिम समुदाय को, और इसका जो उपयोग जो है भारत में आतंक का नंगा खेल खेलेंगे, आगजनी करेंगे, मर्डर करेंगे, सर कलम करेंगे, जैसे सर धड़ से अलग अभी का किया जा रहा है उस तरह से ये आतंक का नंगा खेल खेलेंगे भारत में, इसके लिए PFI जो है एक अच्छा खासा जो आतंकी संगठन है वो इसको फंडिंग करेगा। उस और मुस्लिम समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा फौज में भर्ती हो रहा है, इसका रीजन ये है, उसे कोई पाकिस्तान से नहीं लड़ना है ना चाइना से लड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ने से पहले उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, बाकी काफिर है जिनका काफिरों का कत्ल करो और बहुत तक हुर्रे पाओ। तो ये जो उनके दिमाग में माइंड सेट किया हुआ है, ये जो आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं जिसमें कि पूरी दुनिया जानती है कि ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत ही गंदा और घिनौनी हरकत है। तो केंद्र सरकार को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो अग्निपथ के लिए अगर यहाँ पर फार्म फिलअप करती है और 4 साल की जॉब देती है तो मुस्लिम समुदाय को अगर दिया जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा, राष्ट्र के विरुद्ध में दुरुपयोग होगा और राष्ट्र में जो है आगजनी होगी, मर्डर होगा, सर दर से अलग होगा, इस तरह की घटनाएं जो है घट सकती है। इसके विषय में मुस्लिम समुदाय को सावधान, मतलब केंद्र सरकार को सावधान रहना चाहिए, और अगर वो सावधान नहीं रही और उन्होंने ये कदम उठा दिया तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत के लिए बहुत ही घातक रहेगा। आज तक जितनी भी बातें मैंने कही है, पिछले मेरे यूट्यूब में हेमंत TV चैनल में आप देख लेना, वो सारी बातें सत्य साबित हुई है। अगर ये बातें में दम है हमारी बातों में और अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि ये आतंकवादी जो संगठन है भारत के लिए कितना नुकसानदेह है, और अग्निपथ जो है जिसमें मुस्लिम समुदाय ने फतवा जाहिर कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मुस्लिमों को भर्ती कराया जाए ताकि उनको जो है ट्रेनिंग मिल सके, और वो ट्रेनिंग मिलने के बाद उस ट्रेनिंग का जो भुगतान होगा वो भारत की जनता को, भारत को तोड़ने में काम किया जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भारत में अगर उन लोगों को लिया जाएगा, PFI के लोगों को जो PFI माइंडेड है, जो आतंकी माइंडेड है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आतंकवाद भारत में कई गुना बढ़कर उभरेगा। इसी के साथ मैं हेमंत तोसा, हेमंत TV चैनल में, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपका क्या विचार है ये भी बताएं। धन्यवाद।